हेलो एवरीवन, लवली क्रोचेट क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। मैंने इस तरीका का एक ड्रेस मैंने अपलोड किया है जो कि बहुत ही प्यारा है और अलग तरीका से मैंने ये ड्रेस को बनाया है। तो आप लोग ने अगर अभी तक ये ड्रेस नहीं देखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं और अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। तो इसी का आज मैं मैचिंग का पगड़ी बनाना बताऊंगी। तो ये जो ड्रेस है ये 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है। पगड़ी भी मैं 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए आप लोग को बनाना आज बताऊंगी। तो आप लोग पगड़ी को किसी भी कलर में बना सकते हैं। मैं पगड़ी को यहाँ पर ब्लैक और रेड में बनाऊँगी, ठीक है। तो एक ही रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं और अगर मेरा ये सिखाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगे, मेरा ड्रेस अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए पहले मैं पगड़ी किस तरीके से बनाना है, पहले मैं पगड़ी का पूरा बेस बनाएंगे और उसके बाद उसको पगड़ी को सिलाई करके उसके बाद में हम लोग डेकोरेशन करेंगे। पहले मैं पगड़ी बना लूँगी और इस तरीके से दो मैं पैटर्न बना लूँगी। ये डिज़ाइन मैंने दो बनाया है यहाँ पर, जैसे मैंने ये डिज़ाइन 1 2 3 4 5 6 7 सात डिज़ाइन बनाया है, यहाँ पर मैंने दो डिज़ाइन इस तरीके से बनाना है। प्रोसेस सेम रहेगा लेकिन एक अंतर रहेगा, इसमें मैंने 22 चेन में बनाया है, इसमें हम लोग 20 चेन में बनाएंगे, ठीक है। तो ये 20 चेन में आप लोग बना लीजिए, प्रोसेस सेम रहेगा। जितना घर मैंने यहाँ पर ग्रीन में, व्हाइट में, रेड में जिस तरीके से लिया है, सेम प्रोसेस में हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। लेकिन पहले मैंने यहाँ पर जैसे 22 चेन लिया है उसके बाद मैंने वर्क स्टार्ट किया है, आप लोग इसमें 20 चेन लिए सेम प्रोसेस में कीजिए और ये आप लोग इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तरीके से एक पैटर्न बना लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से करना है। तो पगड़ी किस तरीके से बनाना है ये भी मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पगड़ी बनाने के लिए मैंने जो यहाँ पर नीडल्स यूज़ किया है वो 2.5 mm का, देखिए 2.5 mm का जो नीडल्स है वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। पहले हम इस तरीके से ब्लैक कलर से 49 चेन बना लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से 49 चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 49 चेन हम लोग बना लेंगे। इस तरीके से 49 चेन मैंने बना लिया है, यहाँ पर उंगली रखेंगे और आगे 3 चेन और बनाएंगे, 1 2 और 3, ठीक है। और जहाँ मैंने उंगली रखा है उसी में इस तरीके से नीडल्स को डालते हुए यहाँ पर मैंने डबल क्रोचेट बनाना है। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा 3 चेन लिया हो वो एक डबल क्रोचेट के हिसाब से काउंट हो जाएगा और आगे मेरा 49 के ऊपर 49 डबल क्रोचेट बनेगा। तो मेरा यहाँ पर टोटल जो डबल क्रोचेट हो जाएगा वो हो जाएगा 50 डबल क्रोचेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बन लेंगे, नेक्स्ट चेन में नीडल्स को डालेंगे, यहाँ एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर इस तरीके से बन लेंगे, नेक्स्ट चेन में नीडल्स को डालते हुए यहाँ डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो ये आगे जितना भी आप लोग को चेन दिख रहा है हर चेन में नीडल्स को डालते हुए हम लोग एक एक डबल क्रोचेट ये बना लेंगे, ठीक है। देखिए ये डबल क्रोचेट मेरा इस तरीके से 50 डबल क्रोचेट मैंने बना लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ही मैं एक चेन लेके धागा को एंड कर दूंगी इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग रेड कलर शुरू करेंगे तो यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, हम लोग यहीं से ही फिर रेड कलर शुरू करेंगे, यानी कि सीधा पोर्शन से हम लोग रेड कलर भी सीधा पोर्शन से शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला वाला जो चेन है इसमें इस तरीके से नीडल्स को डालेंगे, ठीक है। इस तरीके से डालते हुए रेड कलर ले लेंगे, यहाँ पर धागा को इस तरीके से अटैच कर देंगे। पहले यहाँ पर 1 2 और 3 तीन चेन इस तरीके से हम लोग ले लेंगे, देखिए ले लिए इस तरीके से। अब जो नेक्स्ट चेन दिख रहा है उसमें इस तरीके से नीडल्स को डालेंगे, डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर देखिए चेन जो दिख रहा है उसमें इस तरीके से नीडल्स को डालेंगे, यहाँ एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो इस तरीके से इसमें भी हम लोग हर चेन के ऊपर हम लोग डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे, यानी कि मेरा यहाँ पर जो चेन होगा 50 चेन होगा। तो इस तरीके से रेड कलर में भी मैं बना लेती हूँ पूरा, इस तरीके से रेड कलर से भी मैंने बना लिया है। वापस हम क्या करेंगे, यहीं पर धागा को रेड कलर का धागा को यहाँ कर देंगे, एक चेन लेंगे और धागा को यहाँ पर हम लोग कट कर देंगे और वापस से हम लोग को एक राउंड ब्लैक में और बनाना है, ठीक है। तो वापस से हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, देखिए यहीं से हम लोग ब्लैक कलर में शुरू करेंगे, ठीक है।
तो देखिए तीसरा नंबर जो चेन दिख रहा है इसमें इस तरीके से नेजस को डालेंगे। और यहाँ पर जैसे मैंने व्हाइट रेड कलर में शुरू किया था, सेम प्रोसेस में हम लोग ब्लैक कलर में एक राउंड और बनाएंगे। तो इस तरीके से देखिए धागा को ले आए, एक दो और तीन, तीन चेन पहले मैंने बना लिया। और जितना भी आप चेन दिख रहा है देखिए नेक्स्ट चेन में इस तरीके से नेजस को डालते हुए एक डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरीके से। अब जितना भी आगे मेरा चेन दिख रहा है हर चेन में हम लोग इस तरीके से नेजस को डालते जाएंगे और एक एक डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे, ठीक है। तो पाँच नंबर और छः नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए तीन राउंड हम लोग बनाएंगे, ठीक है। दो मैंने ऊपर नीचे ब्लैक से बनाए, बीच में मैंने रेड से बनाए। तो इस तरीके से बनाने के बाद फिर मैं आगे दिखाती हूँ आप लोगों को क्या करना है। देखिए इस तरीके से मैंने बना लिया, ठीक है। और ये सब जो आप लोगों को धागा दिख रहा है ये यहाँ से इस तरीके से एक गांठ लगा दीजिए, धागा को आप लोग कट कर दीजिए इस तरीके से। देखिए आपस में मैंने इस तरीके से गांठ लगा दिया है और जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम लोग इस तरीके से कट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कर देंगे। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, इस तरीके से हम लोग को पकड़ना है, ठीक है। उल्टा पोर्शन ये है हम लोग को, सीधा पोर्शन ये है, ठीक है। तो उल्टा पोर्शन से हम लोग इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको इस तरीके से हम लोग क्रॉस में ले आएंगे। देख रहे आप लोग, एक बार और देखिए इस तरीके से हम लोग, ये मेरा उल्टा पोर्शन है तो उल्टा पोर्शन को हम लोग इस तरीके से हथेली के ऊपर इस तरीके से पकड़ें और इसको हम लोग इस तरीके से घुमाते हुए इधर ले आएंगे इस तरीके से, ठीक है। उल्टा पोर्शन है ये मेरा, पूरा उल्टा पोर्शन है। और फिर इसको इस तरीके से घुमाएंगे, अगर इस तरीके से घुमाते हुए ये दोनों को इस तरीके से हम लोग रख लेंगे। देखिए ये इस तरीके से, ठीक है। तो पगड़ी का सेप देखिए, ये मेरा पगड़ी का सेप है, ठीक है। तो ये पूरा उल्टा पोर्शन है, ये पूरा आप सिलाई जो हम लोग को करना है ये उल्टा पोर्शन में हम लोग को सिलाई करना है। और उसके बाद ये देखिए इस तरीके से इसको हम लोग ठीक एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए हम लोग सिलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पोर्शन है इसके साथ हम लोग इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर इस तरीके से सिलाई करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग को जो पोर्शन है ये उल्टा पोर्शन है, इधर का चेन के साथ उधर जो चेन है इस तरीके से हम लोग सिलाई करते जाएंगे। नीचे से उंगली रख लीजिए, उसके बाद हम लोग किस तरीके से जितना ओपन पोर्शन आप लोग को दिखेगा, देखिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, ये सिलाई कर लेती हूँ पहले। देखिए देखिए जितना भी ओपन पोर्शन है पूरा हम लोग सिलाई कर लेंगे। देखिए इधर भी ओपन है, देख रहे आप लोग, यहाँ पर भी हम लोग सिलाई करेंगे, यहाँ पर भी ओपन पोर्शन दिख रहा है ऊपर में, यहाँ पर भी हम लोग सिलाई करेंगे और इधर भी देखिए ओपन पोर्शन दिख रहा है, इधर भी सिलाई करेंगे। और पहले इसको हम लोग एक तरफ का हम लोग सिलाई कर लिए, दूसरा तरफ का हम लोग इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। देखिए अब ये जो पोर्शन है इधर का, इधर हम लोग सिलाई कर लेंगे।
देखिए ये पोर्शन हम लोग सिलाई कर लिए। अब देखिए ऊपर का जो ये पोर्शन है, देखिए अब जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन हम लोग सिलाई कर लेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से पहले इसको सेट कर लेंगे और ये वाला पोर्शन हम लोग को सिलाई करना है। तो हम लोग इधर इस तरीके से धागा को ले आएंगे, सिंपल सा धागा को इधर ले आए हम लोग। और लाने के बाद देखिए अब ये पोर्शन सिलाई करेंगे, ये जो दिख रहा है आप लोग ओपन, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हम लोग सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से ये पोर्शन मैंने सिलाई कर लिया। अब देखिए ये वाला पोर्शन बाकी है, तो ये पोर्शन हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से धागा को इधर ले आएंगे हम लोग, सिंपल सा इधर ले आएंगे। और लाने के बाद देखिए आप ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला हम लोग सिलाई करें, देखिए ये वाला पोर्शन, ठीक है, इस तरीके से इसमें हम लोग सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग एक काट लेंगे और धागा को कट कर देंगे इस तरीके से। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से सीधा कर लेंगे। देखिए ये मेरा इस तरीके से पगड़ी बन गया, देख रहे हैं आप लोग, इस तरीके से पगड़ी बन गया। अब देखिए आगे हम लोग को क्या करना है। अब देखिए कितना अच्छा हम लोग का ये पगड़ी बन गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, सिंपल में बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये जो मैंने बनाया है, ये पगड़ी को इस तरीके से हम लोग इसमें अटैच करेंगे, देखिए इस तरीके से अटैच करेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पगड़ी में, जैसे मैंने इस ड्रेस में, देखिए इस तरीके ड्रेस में जैसे मैंने ये व्हाइट कलर से बनाया है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसमें भी हम लोग व्हाइट कलर में बनाएंगे तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से बना, जैसे ड्रेस में मैंने बनाया था सेम टू सेम वैसे ही बनाएंगे। पहला वाला चेन में इस तरीके से नेजस को डालेंगे, देखिए इस तरीके से नेजस को डालते हुए यहाँ पर हम लोग व्हाइट कलर को अटैच करेंगे। इस तरीके से व्हाइट कलर को अटैच करते हुए यहाँ पर हम लोग तीन चेन लेंगे, एक दो और तीन, तीन चेन लेंगे। अब नेक्स्ट जो चेन है इसमें हम लोग एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, चार चेन में अलग अलग डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो मेरा दो बन गया है, नेक्स्ट चेन में एक और बनाएंगे तीन, नेक्स्ट चेन में एक और बनाएंगे चार, चार बन गया है। अब नेक्स्ट चेन में दो बनाएंगे, एक बनाया उसी चेन में फिर निजस में डालते हुए एक और बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे मैंने ये फ्लावर बनाया है सेम प्रोसेस में हम लोग फ्लावर बनाएंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, एक और दो, दो चेन लेंगे और इसमें इस तरीके से नेजस को डालते हुए एक डबल क्रोशेट बनाया, ठीक है। फिर एक दो, दो चेन लेंगे और उसके बाद उसी में डालते हुए यहाँ पर एक स्लिप स्टिच इस तरीके से बना दें। तो एक पंखुड़ी मेरा बन गया है सेम प्रोसेस में, दो चेन फिर यहीं निजस को डालते हुए एक डबल क्रोचेट, फिर दो चेन, फिर वहीं निजस को डालते हुए एक सिल्क स्टिच, दो पंखुड़ी मेरा बन गया है। फिर एक दो, दो चेन, इस तरीके से इसको टर्न करेंगे और इसको इस तरीके से उठाएंगे। यहाँ पर मैंने एक डबल क्रोचेट बनाना है, एक डबल क्रोचेट, फिर दो चेन इस तरीके से, और जहाँ मैंने बनाया है वहीं फिर निजस को डालते हुए एक सिल्क स्टिच। तीन पंखुड़ी बन गया है, फिर दो चेन और उसी में फिर निजस को डालते हुए एक डबल क्रोचेट, फिर दो चेन,
और उसी में फिनिजर्स को डालते हुए एक स्लिप स्टिच। तो देखिए इस तरीके से आप सीधा कर लेंगे वर्क को। और देखिए इस तरीके से एक दो तीन चार, चार बन गया है। एक और बनाएंगे सेम प्रोसेस में दो चेन। अब देखिए ये जो होल दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला होल, इसमें इस तरीके से निजर्स को डालेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोचेट बना लेंगे। फिर दो चेन वहीं पर निजर्स को डालते हुए एक स्लिप स्टिच। देखिए ये धागा खींचते हुए एक चेन बाद में लेंगे, इस तरीके खींचते हुए यहाँ पर टाइट कर देंगे। उसके बाद एक चेन ले लेंगे और सेम प्रोसेस में फिर नेक्स्ट जो चेन है इसमें हम लोग अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर चार डबल क्रोचेट शुरू में बनाया था वैसे ही अलग अलग चेन में चार डबल क्रोचेट, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। देखिए इसने मैंने इस तरीके से बना लिया। यहाँ भी हम रेड कलर का मोती अटैच नहीं किए हैं, वो बाद में करेंगे। तो इस तरीके से बना लीजिए। अब देखिए इसको हम लोग पगड़ी के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। ये मेरा पगड़ी है, तो देखिए इसको इस तरीके से थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर हम लोग पीछे की ओर, देखिए इसका लुक कुछ इस प्रकार से है। देख रहे हैं आप लोग कितना प्यारा लग रहा है। ये जैसे इस तरीके से ना हो जाए इसलिए हम लोग थोड़ा नीचे करके इसको इस तरीके से पकड़ते हुए थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए पीछे की ओर यहाँ पर हम लोग पूरा सिलाई लगा देंगे, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग पीछे की ओर यहाँ पर पूरा हम लोग सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग एडजस्ट कर लेंगे किस तरीके से इसको रखना है। देखिए इस तरीके से हम लोग इसको रखेंगे, इस तरीके से कुछ इस तरीके से, और रखते हुए इसको हम लोग पीछे की ओर इस तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ से हम लोग इस तरीके से सिलाई करना शुरू करेंगे। देखिए ब्लैक कलर का धागा ले लेंगे और यहाँ पर हम लोग इस तरीके से सिलाई करना शुरू करेंगे। बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारा है। हम लोग सामने की ओर इसको थोड़ा सा ठीक करते हुए चलेंगे और इसको इस तरीके से पलट लेंगे और देखिए पूरा पीछे की ओर हम लोग इस तरीके से पूरा यहाँ से लेके ये राउंड तक और इधर आगे यहाँ तक पूरा हम लोग स्टिच कर देंगे, ठीक है। तो पूरा स्टिच करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए इसको मैंने इस तरीके से पीछे अटैच कर दिया है, सिलाई कर दिया है। अब देखिए ये इस तरीके से, इस तरीके का ना हो जाए इसलिए हम लोग को क्या करना है, देखिए इसको हम लोग इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम लोग देखिए पीछे अंदर की अंदर के तरफ यहाँ पर ये जो पोर्शन है यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग एक नॉट लगा देंगे। ये पगड़ी के साथ एडजस्ट करते हुए पगड़ी के साथ हम लोग एक नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए ये आप यहाँ पगड़ी के अंदर से भी लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर इस तरीके से पीछे से भी लगा सकते हैं। देखिए मैं क्या करूँगी, इस तरीके से पीछे की ओर इस तरीके से निजर्स को डालेंगे, पहले एडजस्ट कर लिए। या फिर आप लोग एक काम कर सकते हैं यहाँ सामने की ओर से भी यहाँ से देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ ये देखिए मेरे यहाँ पर सुई दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग इस तरीके से नॉट लगा देंगे पीछे की ओर से इस तरीके से, इधर निजर्स ले आएंगे। ये इस तरीके का ना हो जाए इसलिए हम लोग पीछे की ओर से फिर हम लोग इस तरीके से डालेंगे। दो तीन बार हम लोग वहाँ पर स्टिच कर देंगे तो ये फिर एडजस्ट हो जाएगा, बहुत ही प्यारा लगेगा इस तरीके से। देखिए अब ये इस तरीके से नहीं होगा, ये इस तरीके से समधा हुआ रहेगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है, जब पहनाइएगा लड्डू गोपाल को बहुत ही प्यारा लगेगा और बहुत ही यूनिक है। मुझे नहीं लगता है अभी तक आप लोगों ने इस तरीका का पगड़ी देखा होगा। यहाँ पर हम लोग इसको सिक्योर कर देंगे, एक बार और नॉट लगा देंगे और यहाँ पर धागा को कट कर देंगे इस तरीके से। देखिए ये मेरा कुछ इस तरीके से बन गया,
कितना प्यारा लग रहा है। अब इसको आप लोग अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं, स्टोन से डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीका से यहाँ पर एक मोती लगा सकते हैं। यहाँ पर तो मैं रेड कलर का मोती लगाऊंगी, तो यहाँ पर मैं रेड कलर का मोती अटैच करके फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ ये देखने में कैसा लग रहा है। देखिए इसका लुक कुछ इस प्रकार से आया है, कितना प्यारा लग रहा है और एकदम यूनिक डिजाइन है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग किसी भी स्टोन से डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा हेवी हो है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कोई डेकोरेशन नहीं करेंगे। इस तरीका का जो पेस्टिंग पर्स आता है, हाफ पर्स जो आता है इस तरीका से, तो इस तरीका का मैं यहाँ पर एक खाली पर्ल पेस्ट कर दूंगी, इस तरीके से यहाँ पर एक पर्ल पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो इतना ही मैं इसमें डेकोरेट करूंगी, क्योंकि और ज़्यादा करने से इसका जो पीछे का इस तरीके ये जो लुक है ये ख़त्म हो जाएगा। आप लोग चाहे तो कर सकते हैं इस तरीके से, ग्लूगन या फिर फेब्रिक ग्लू जो आता है उसी से आप लोग इस तरीके से बीच में मिडल में इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए। देखिए ये थोड़ा हम लोग सूखने देंगे, इसका लुक देखिए इस तरीके से बहुत ही प्यारा है और बहुत ही प्यारा बना है। तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरा ये सिखाने का तरीका आप लोग को समझ में आए तो आप लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीका का यूनिक वीडियो मैं आप लोग के लिए लाती रहूँगी। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उन लोग को थैंक यू सो मच। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, देखिए इस तरीका का मैंने एक और ड्रेस, ये पैटर्न देखिए, ये पैटर्न और ये पैटर्न ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ये मैंने 8 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया था, 7 और 8 नंबर, और ये मैंने जो बनाया है ये मैंने 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया। तो पैटर्न दोनों का सेम है, अंतर यही है, ये मैंने इस तरीके से कली कली बनाया। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 कली बनाया है, तो 7 कली के हिसाब से बना के 7ों कली को मैंने पहले जोड़ा है, उसके बाद मैंने अलग से चोली जोड़ा है। लेकिन इसमें मैंने इस तरीके से नहीं किया है, यहाँ पर मैंने कली कली नहीं बनाया, ये पूरा राउंड मैंने एक ही बार में बनाया है, उसके बाद मैंने ये राउंड के साथ ये चोली को जोड़ा है, ठीक है। तो इसका वीडियो भी मैंने पहले अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ये ड्रेस और ये ड्रेस का पैटर्न सही है और सेम पैटर्न है, सही नहीं है, सेम पैटर्न है। तो आप लोग की अगर नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जाके ये भी बना सकते हैं। ये भी बहुत ही प्यारा ड्रेस है, और इसके साथ भी मैंने इस तरीका का देखिए कैप बनाया है, इस तरीका से मुकुट बनाया है। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर नहीं देखा है तो आप लोग ये भी बना लीजिए, बहुत ही प्यारा बना है। ये मैंने एक यहाँ पर साइड में लगाया है, और ये जो मैंने बनाया है ये मैंने इस तरीके से 2 बनाकर उसके बाद मैंने इसको बैक में लगाया है, इस तरीके से मैंने इसको बनाया है, ठीक है। तो आप लोग की इस ड्रेस का और ये मुकुट का ये दोनों का लिंक दे दूंगी, आप लोग बनाइए, लड्डू गोपाल को पहनाइए, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही यूनिक है, और ये तो बहुत ही अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।